हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम पॉइंट सक्सेस। फ्रेंड माय नेम इज़ मुकेश कुमार। फ्रेंड आज की हमारी टॉपिक रहेगी इंडियन ज्योग्राफी। आज से हमारे चैनल पे क्रैश कोर्स चलता रहेगा। डीडीए पटवारी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और उसी के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं और उसमें इंक्लूड होता है हमारा राजस्थान पटवारी। तो इंडियन ज्योग्राफी है, आपको पता ही होगा टॉपिक है, तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाएगा, मोस्टली कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है। तो मैं आज उसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। तो फ्रेंड हमारा मकसद रहेगा कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाना, ताकि एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो चुकी है तो आप रिवीजन कर सकें और अपना बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे ना थोड़ी सी भी, तो फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपके लिए वीडियो लाने का मौका मिलता रहे। तो फ्रेंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली क्लास है, ये आप ध्यान रखना। हमारी दूसरी क्लास इंडियन हिस्ट्री भी कोई ना कोई लेके आएगा, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जो भी है, मतलब जितने भी क्लासेस हैं उसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपको नोट्स मिलते रहें। ये पीडीएफ है फ्रेंड, पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। इसमें मेहनत लगती है तो फ्रेंड इसलिए एक लाइक ज़रूर बनता है आपका, और सब्सक्राइबर तो बनता ही है। अगर नया आ रहा तो फ्रेंड ज़रूर कर देना सब्सक्राइबर। तो फ्रेंड पहला हमारा टॉपिक है चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण। तो फ्रेंड ये पूछ रखा है कि कई पेपरों में तो ये उठा के पूछ लेते हैं सीधा से सीधा कि चंद्र ग्रहण कब लगता है या फिर सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो मैं आपको बताता हूँ, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आपको पता है कि बात सही है कि पृथ्वी हमेशा सूर्य की परिक्रमा करती है, तभी तो दिन रात होते हैं, और जबकि चंद्रमा भी करती है पृथ्वी की, ये भी बात ठीक है। तो अब चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। सूर्य और चंद्रमा के मध्य जब पृथ्वी आती है ना, जैसे ये सन है और ये चंद्रमा है, ठीक है फिर ये चंद्रमा है, तो इनके मध्य में जो अर्थ आएगा ना, मतलब मोस्टली इस पे इफेक्ट डालेगा, ये जो चंद्रमा है ना इसकी इसको घेरे में ले आएगा, और जिसके कारण हमेशा अंधेरा सा छाएगा, और ये हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन हर एक पूर्णिमा को होना ये भी सही नहीं है, लेकिन साल दो साल या फिर जो भी 5 साल के भीतर होता रहता है ये। और फिर सूर्य ग्रहण कब लगता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य के मध्य में आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है फ्रेंड, ये सही अर्थ है, ये सन है, ठीक है फ्रेंड। अब चंद्रमा किसके पास जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, तो पृथ्वी पे इफेक्ट डालेगा ये चंद्रमा, पृथ्वी पे इफेक्ट डालेगा ताकि अंधेरा छाए, और ये हमेशा अमावस्या को होता है। लेकिन ये भी बात सही नहीं है कि हमेशा अमावस्या को हो, तो इन्होंने ये भी कह रखा है, ठीक है फ्रेंड। ये दो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो आप थोड़ा सा याद रखना फ्रेंड। और इसमें थोड़ी सी और बातें हैं तो बता देता हूँ आपको। एक अंगूठी की तरह चपकने वाला तारा क्या कहलाता है, तो डायमंड रिंग कहलाता है फ्रेंड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये किस लिए होता है, किस दौरान होता है, सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य चमकते अंगूठी के समान दिखाई देता है, तो इस घटना को डायमंड रिंग कहते हैं। तो इतना सही आप याद रखना फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। और कैलेंडर वर्ष मैं सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को मिलाकर अधिकतम 7 ग्रहण हो चुके हैं। तो ये अधिकतम सूर्य ग्रहण की घटना वर्ष में 2 बार एवं अधिक से अधिक 5 बार हो सकती है फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ, अधिक से अधिक 5 बार हो सकती है। तो फ्रेंड ये देखिए अधिक से अधिक 5 टाइम हो सकती है। तो इतना था फ्रेंड। और फ्रेंड अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड, ओके। तो फ्रेंड अब मैं इनके 7 ग्रह के मतलब ग्रह के बारे में बताऊंगा फ्रेंड इसके, ठीक है। तो फ्रेंड ग्रह हमारा क्या कहता है, ग्रह फ्रेंड हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी 8 ग्रह, मतलब कितने ग्रह इन्होंने बता रखे हैं, 8 ग्रह बता रखे हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मतलब सूर्य के सन के चारों राउंड घूमते रहते हैं धीरे 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 धीरे, ऐसे आपने देखा होगा। तो कौन कौन घूमता है मैं आपको बताता हूँ, बुध सूर्य के सबसे निकट है, मतलब सबसे नज़दीक है, तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आपको पता भी होगा, पटक है आपने थोड़ा बहुत। तो शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लेटो। अब फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, प्लेटो को हाल ही में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। ये मैं कहूँगा नहीं कि हाल ही में हटाया है, ये 2006 का
छः में हटाया था इन्होंने अपने ग्रह को लिस्टों से। अब हमारे टोटल 7 हो गए हैं, पहले 8 थे, इसमें 8 भी शो कर रखे हैं, 7 हैं हमारे। मैं आपको बताता हूँ 7 कौन कौन से हैं। तो इतना था ग्रह के बारे में, ये ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो कौन कौन से हैं तो बताता हूँ मैं आपको। पहला आता है हमारा बुध। अब बुध क्या है? बुध एक ग्रह है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सन है। ये काफ़ी रोशनी से स्पीड में वो हो रहा है और इसके पास है हमारा बुध ग्रह। ये हमारा बुध ग्रह है, इसका सबसे नज़दीक ग्रह कहूँगा। और ये कई बार पूछ भी लिया जाता है और 88 दिन का इसका टाइम पीरियड रहता है। तो फ्रेंड मैं बता देता हूँ आपको। और सूर्य के सार्वदिन निकट होने के कारण बुध की ग्रह परिक्रमण की गति सार्वधिक तीव्र होती है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी बता देता हूँ कि आप इस ग्रह का कोई उपग्रह भी नहीं है। तो इतना था। और 88 दिन का टाइम पीरियड रहता है, सबसे छोटी अवधि होती है इसकी घूमने की, मैं आपको इतना भी बता। और शुक्र, आप शुक्र के बारे में, शुक्र बुध की तुलना में सूर्य से अधिक होता है स्थिति, ये सर्वाधिक गर्म होता है। मैं आप ये भी बता दूँ, शुक्र जो ग्रह स्टार होता है हमारा, जब से ज़्यादा गर्म होता है और इस ग्रह का द्रव्यमान एवं आकार पृथ्वी के समान होता है, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ये रात के टाइम इतना चमकता है ना फ्रेंड, इसमें इसको कहते हैं फ्रेंड प्यार एवं सुदृढ़ता, ना कि देवी, गॉडनेस ऑफ द ब्यूटी एंड लव भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को संध्या का तारा, सांझ या भोज का तारा कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस ग्रह को सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, हमारे दो हैं, एक बुध एक फ्रेंड हमारा शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है, आपको इतना याद रखना है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अब आता है तीसरा, पृथ्वी। पृथ्वी भी स्टार है जो सूर्य के चारों राउंड मारती रहती है। सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार इसका तीसरा स्थान है। आकार की दृष्टि से पांचवा है, अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो। ये सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल अलावा जैव मंडल भी पाया जाता है। तो फ्रेंड ये इसी ग्रह में हम सब रहते हैं, इतना आपको पता होगा। तो अब चौथा सा आ जाता है। और हाँ, इसका एक और क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि किसको मतलब हरा भरा ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी इसका राइट आंसर होगा। हरा भरा ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अब मैं मंगल की बात करता हूँ आपको। मंगल, ये ग्रह लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है। मैं बताऊँगा आपको लाल गेंद की भांति क्यों प्रतीत होता है। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ का बीगल 2 एवं नासा के स्प्रिट मिशन द्वारा इस ग्रह का अन्वेक्षण कार्य जारी है। भारत मंगल पर अभियान भेजने वाला विश्व का चौथा एवं एशिया का प्रथम देश बना है। इसे लाल ग्रह इसलिए कहते हैं फ्रेंड, मैं डिबोस या फोबोस का तारा आपने सुना होगा, इसी को कहते हैं। मैं बताता हूँ आपको क्यों कहते हैं। इस ग्रह पे साइंटिस्टों ने कोई मिसाइल भेजी थी तो वहाँ पर लाल लाल कण करके लाल बलुआ पत्थर मिले थे, लाल जो ठोस पत्थर है, इसी के कारण इसको डिबोस या फोबोस का तारा कहा जाता है। तो इतना आप याद रखना फ्रेंड, और ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो अब बृहस्पति की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रह वाला स्टार यही है, सबसे ज़्यादा ग्रह किसके हैं तो इसके 89 है हाल ही में, और किताबों में 79 दे रखे हैं, तो आप उसको इग्नोर कर देना, 89 इसका राइट है। इस पर और भी सर्चिंग चल रही है तो और भी होने की पॉसिबिलिटी है, तो अभी लेटेस्ट में तो 89 है। तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कह रखा है इसमें, जिसका आयतन पृथ्वी के 1300 गुना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा है ये, लेकिन हाँ इसमें रहने की गैस एवं द्रव से मिलकर बना है, लिक्विड और जो गैस है उससे मिलकर बना है। सभी ग्रहों में इस ग्रह की घूर्णन की गति सर्वाधिक तीव्र है। पृथ्वी में ठोस सतह है इसलिए रहने की जरूरत नहीं है इसमें, मतलब सबूत नहीं मिले हैं इसमें रहने के। और इसका जो उपग्रह है, इसका जो एक्स्ट्रा ग्रह है, उसको गैनीमेड सौर मंडल कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसका तो 4-5 बार पेपर में पूछ भी रखा है, तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखना फ्रेंड। ओके फ्रेंड, अब शनि की बात करते हैं। छठे नंबर पर शनि आता है। 7 छल्लों का पाया जाना इस ग्रह की महत्वपूर्ण विशेषता है। 7 छल्लों का पाया जाना इस ग्रह का महत्वपूर्ण विशेषता है। ये छिल्ले विभिन्न आकार की चंद्रिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो फ्रेंड इतना याद रखना, इसके समथिंग
65 या फिर ऐसी कुछ इसके उपग्रह हैं, तो ये भी ना 62 है फ्रेंड, इसमें दे रखा है शनि की उपग्रह की संख्या 62 है। टाइटन इसका उपग्रह और गैनीमेड किसका था, बृहस्पति का था। और आपको इतना रखना है जो उपग्रह आ रहे हैं ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। तो टाइटन जो टाइटन इसका उपग्रह है, सौरमंडल में एक एकमात्र उपग्रह जिसका अपना वायुमंडल है, इतना याद रखना है फ्रेंड आपको शनि से, ठीक है फ्रेंड। अब आता है अरुण। अरुण थोड़ा दूर पड़ता है पृथ्वी से, सूर्य से। ये ग्रह अपने कक्ष तल के 89 डिग्री झुका हुआ है फ्रेंड, अतः जहाँ सभी घूर्णन स्पिन करते हैं। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड, ये बस इतना ही रखना, थोड़ा सा दूर है ये। और वरुण, वरुण इम्पोर्टेंट बनता है। वरुण या अरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह कहते हैं, कहा जाता है, लेकिन क्योंकि इन ग्रहों की आकार अक्ष समानता पाई जाती है, साथ ही मीथेन की अधिकता पाई जाती है, इन दोनों ग्रहों प्रकाश का हरा प्रतीत होता है। ये वरुण, वरुण जो ग्रह है हमारा, इसको हरा ग्रह भी कहते हैं, आपको इतना याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब आता है हमारा प्लेटो। प्लेटो के बारे में बता देता हूँ आपको, 2006 से ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया था UPSC द्वारा, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड। एक मिनट फ्रेंड, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ एक बार ग्रह इसके प्लेटो के बारे में फ्रेंड। प्लेटो है क्या? प्लेटो एम कुबेर, थोड़े से नीचे कर देता हूँ। प्लेटो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में कर 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान संघ द्वारा HAL द्वारा की बैठक में, जिसमें प्लेटो की ग्रह होने का दर्जा ख़त्म कर दिया गया। इस बैठक में पहली बार वैज्ञानिकों ने ग्रहों की औपचारिक परिभाषा तैयार की, और इस परिभाषा में प्लेटो को शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी आकृति वृत्ताकार नहीं है और वरुण की ग्रहों की कक्षा से होकर गुजरती है। यह चंद्रमा से भी छोटे आकार का होता है। ग्रह की परिभाषा सौरमंडल से उसके बराबर है। तो इतना था फ्रेंड, और आकार पर निर्भर करता है इसका। अब तो प्लेटो ग्रह नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें लिख भी रखा है, और इसे बोन ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, मतलब सबसे छोटा ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। तो फ्रेंड हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड। आप कहोगे तो आपके लिए और भी क्लासेज चलाई जाएंगी, बस आप कमेंट करके बता देना कि आपको किस तरह की क्लास चाहिए और कौन कौन सी क्लास चाहिए, तो मैं आपके लिए क्लासेस लेके आता रहूँगा। तो उसके लिए फ्रेंड आप थोड़ा सा सपोर्ट करें हमें, हमारे टीम को, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे छोटे परिवार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ताकि नई अभी हमारा नया चैनल है, तो आप इसलिए और थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपके लिए क्लासेस लाने की हमारी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहे हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।